एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है इम्यूनोलॉजी। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी में हम लोगों ने एक लेक्चर बना लिया था और उसमें डिस्कस किया था कि इम्यूनोजेन क्या होता है, एंटीजेन क्या होता है, इस तरीके की चीज़ों पर ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये सेकेंड लेक्चर है इस सीरीज़ का, इम्यूनोलॉजी की सीरीज़ का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसमें अक्सर बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों को रहता है। कंफ्यूजन किस टॉपिक पे? जैसे कि हैप्टेंस क्या होते हैं, एडजुवेंट्स क्या होते हैं और कैरियर्स या क्रॉस रिएक्टिविटी के कॉन्सेप्ट में भी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो उस चीज़ को डील करते हुए चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। हैप्टेंस की बात करते हैं। हैप्टेंस की अगर डेफिनेशन पे जाएं तो हैप्टेंस मतलब क्या हो गया? ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एलर्जेंस जो कि प्रॉपर इम्यूनोजेनिक नहीं है, यानी कि एंटीजन तो है बट इम्यूनोजेनिक नहीं है, उनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी नहीं है। वो भले ही फॉरेन जरूर है या बाहर से, बॉडी के बाहर से जरूर आए हुए हैं, बट उनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी नहीं। यानी कि कहने का अगर मतलब तो ये है कि ये एंटीजेनिक जरूर है, एंटीजेनिक जरूर है बट इम्यूनोजेनिक नहीं है। तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है फेल टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स इन देयर नेटिव फॉर्म। नेटिव फॉर्म मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ऐसे एंटीजेंस को क्या बोलेंगे आप? हैप्टेंस बोलते हैं। ऐसे एंटीजेंस को आप क्या बोलेंगे? एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है। नाम क्या है? हैप्टेंस। भाई रीजन क्या है? हम लोगों ने जब इम्यूनोजेनेसिटी की बात की थी और कहा था कि इम्यूनोजेनिक एंटीजेंस क्या क्या है, तो उसमें कहा था कि इम्यूनोजेनिक होने की प्रॉपर्टी ये है कि उसका मॉलिकुलर वेट जो है वो ज्यादा होना चाहिए, केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी अधिक होनी चाहिए, और तीसरा एक कॉन्सेप्ट दिया था कि फॉरेन होना चाहिए, यानी कि बॉडी का अपना नहीं होना चाहिए, फॉरेन होना चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टीज थी इम्यूनोजेनिक होने की। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एंटीजन इम्यूनोजेनिक नहीं है, वो है लो मॉलिकुलर वेट। तो एक पहला तो ये हो गया कि लो मॉलिकुलर वेट होगा, और दूसरा केमिकल सिंप्लिसिटी। आपको ये भी अंदाजा होगा, हमने केमिकल सिंप्लिसिटी में बताया भी था लास्ट टाइम कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स के बाद आपके पॉलीसेकेराइड्स आ जाते हैं और इसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स का। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स, उसके बाद पॉलीसेकेराइड्स, उसके बाद लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो लास्ट नंबर आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है रीजन क्या हो सकता है, लो मॉलिकुलर वेट एंड केमिकल सिंप्लिसिटी। हो सकता है मॉलिकुलर वेट कम हो सकता है, केमिकली बहुत सिंपल हो, इसीलिए वो इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस नहीं कर पा रहे, इम्यूनोजेनिक नहीं है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हैप्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट में लिख भी दिया है क्लियर करने के लिए कि एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक। एंटीजेनिक है बट इम्यूनोजेनिक नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है, एक टर्म आ रहा है कैरियर्स। अब कैरियर्स का मतलब क्या हो गया? अगर हम चाह रहे हैं कि हैप्टेन एक पर्टिकुलर एंटीजन है, मान लीजिए उसके ऊपर हमें इम्यून रिस्पॉन्स देखना ही देखना है, करवाना ही करवाना है, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट करवाना ही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कैरियर्स के साथ उसको क्या कर सकते हैं? कंजुगेट कर सकते हैं, कैरियर्स के साथ उसको दे सकते हैं। अब कैरियर क्या होगा? जाहिर सी बात है, कैरियर का क्या काम होगा? एक तो उसको ज्यादा हैवी कर देगा, उसकी केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देगा। तो कैरियर जो नॉन इम्यूनोजेनिक हैप्टेन था उसको क्या कर देगा? अब उसको इम्यूनोजेनिक बना देगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका हैप्टेन का और कैरियर का। ठीक है, हैप्टेन और कैरियर का। चलिए अब बात करते हैं एडजुवेंट की। एडजुवेंट का मतलब क्या हो गया? सिंपल सी समझने की कोशिश करिएगा। कई बार क्या होता है कि कुछ एंटीजेंस ऐसे होते हैं जो बहुत वीक रिस्पॉन्स देते हैं या बहुत वीकली इम्यूनोजेनिक होते हैं। इम्यूनोजेनिक होंगे बट बहुत कम इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगे, हो सकता है बहुत कम देर के लिए इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हो,
प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता उनके अगेंस्ट, तो कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो ऐसे इस तरीके के एंटीजेंस जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट तो कर रहे हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, बट वीकली वीक इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे एंटीजेंस को अगर हम चाहते हैं कि ऐसे एंटीजेंस क्या हम इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ाना चाहें या उनकी इम्यून रिस्पॉन्स को हम बढ़ाना चाहें, बूस्टअप करना चाहें, इस तरीके के एंटीजेंस के इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्टअप करना चाहें, तो उसके लिए हमें एडजुवेंट यूज करना चाहिए। या एडजुवेंट क्या होगा, एक वीकली इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल का, वीकली इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस को बूस्ट करवाना है उसका इम्यून रिस्पॉन्स को, काम किसका है, एडजुवेंट का। इसका बहुत एक कॉमन सा एग्जाम्पल भी है फ्रूंट्स एडजुवेंट, आपने पढ़ा भी होगा। और रिसर्च में कई बार अगर एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी बहुत कम है या कम इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है तो उसको आप फ्रूंट्स एडजुवेंट के साथ कुछ रेशियो में मिक्स करके दे दीजिए, तो आपका जो एंटीजन है उसकी इम्यूनोजेनिसिटी की पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, क्रॉस रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। क्रॉस रिएक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि जब एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग विद मोर देन वन एंटीजन, अगर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, देखिए आप जानते हैं कि एंटीबॉडी जो है वो जनरली एक ही एंटीजन से इंटरैक्ट करती है, ठीक है, क्यों? अब आपको पता भी है कि सपोज करिए कि ये एक इस तरीके का एक, सपोज करिए मान लीजिए जनरल एक बैक्टीरिया है इस तरीके का, और इस बैक्टीरिया के सरफेस पे मान लीजिए यहाँ पे एक एपिटोप है, यहाँ पे एक एपिटोप है, ठीक है, या कोई भी एंटीजन है, इसको कोई एंटीजन मान लीजिए, एंटीजन एक्स मान लीजिए, इस एंटीजन एक्स से क्या है कि आपकी एंटीबॉडी जो है वो इंटरैक्ट कर रही है, ठीक, क्यों इंटरैक्ट करेगी भाई, क्योंकि इस एपिटोप को, ये जो एपिटोप यहाँ पे प्रेजेंट है, इस एपिटोप को आपकी एंटीबॉडी ने आइडेंटिफाई कर लिया है, सिंपल सी बात है, इस एपिटोप को आपकी बॉडी ने आइडेंटिफाई कर लिया है। सपोज करिए जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्री का एक पॉलन है, पॉलन के लिए आपकी बॉडी जो है इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, आपको पता भी है। मान लीजिए ये कोई ट्री था, उसके पॉलन के अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडी ने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दिया। अब सपोज करिए यहाँ पे एक दूसरा ट्री है जिसका अगेन पॉलन आया और आपके कॉन्टैक्ट में आ गया। अब मान लीजिए सेम एपिटोप्स, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये एपिटोप्स थे, सेम तरीके के एपिटोप्स जो हैं वो यहाँ पर भी पाए जा रहे हैं, इस पॉलन पे भी पाए जा रहे हैं, हालांकि ये ट्री दूसरा हो गया, दिस इज फ्रॉम अ डिफरेंट ट्री ऑल टुगेदर, बट द पॉलन हैज द सेम एपिटोप, द एपिटोप प्रेजेंट ऑन दिस पॉलन एंड दिस पॉलन इज द सेम। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि आपकी जो एंटीबॉडी जो यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी यहाँ पर भी इस एपिटोप के साथ भी इंटरैक्ट करने लगेगी। तो इसका क्या मतलब हो गया, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग विद मोर देन वन एंटीजन, एक से अधिक एंटीजन से जब आपकी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करने लगती है तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, क्रॉस रिएक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस रिएक्टिविटी। तो ये कुछ टर्म्स थे जिनसे पहले हम लोगों को इनको समझ लेना था, उसके बाद हम ग्रेजुअली डिटेल में जाएंगे इम्यूनोलॉजी के, जिसमें कि हम लोग इननेट इम्यून सिस्टम और अडाप्टिव इम्यून सिस्टम और ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, MHC मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो जो पिन पॉइंटेड जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में उसको डील करते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जो हमारा जो वेबसाइट है उसके साथ साथ आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हर संडेज को टेस्ट्स होते हैं। और आप अगर आपको क्लासेस चाहिए गेट के लिए या CSIR नेट के लिए, तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे साथ जुड़ करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।